नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आईएनएस न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कृषि विधेयकों के खिलाफ राजधानी दिल्ली तक पहुंची प्रदर्शन की चिंगारी। इंडिया गेट के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। ड्रग एंगल में फुल एक्शन में एनसीबी, एक के बाद एक कई बॉलीवुड कलाकारों से कर चुकी है पूछताछ। अब एनसीबी चीफ ने खुद संभाला मोर्चा। दुनिया में कोरोना से ठीक होने के मामले में भारत बना नंबर वन। अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट 82% से हुआ ज्यादा। कृषि विधेयक को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन अब भी रुका नहीं है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसी को देखते हुए आज सुबह दिल्ली में इंडिया गेट के पास 15-20 लोगों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया और इनमें से 5 लोगों की पहचान कर ली गई है और अब वो हिरासत में है। तीनों कृषि विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है, यानी कि ये बिल अब कानून बन चुके हैं। लेकिन कृषि विधेयकों के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन रुका नहीं है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हर जगह इनका विरोध हो रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी कई पार्टियां इस कानून के विरोध में हैं। इसी विरोध के चलते सोमवार सुबह देश की राजधानी में राजपथ पर बिल के विरोध में गुस्सा देखने को मिला। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी और कृषि विधेयकों पर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि किसान कानून का विरोध कर रहे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता एक ट्रैक्टर लेकर राजपथ पहुंचे और यहां कृषि विधेयक का विरोध करते हुए ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन राजपथ के आसपास जिस तरह की सुरक्षा होती है, ऐसे में उस जगह पर प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर देते हैं। इस घटना के बाद सुरक्षा में चूक को लेकर भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। कोरोना वायरस के डराने वाले आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है। देश में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद रिकवरी रेट 82% से ज्यादा हो चुका है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच आज एक अच्छी खबर सामने आई है। देश में संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा 50 लाख को पार कर गया है। देश का रिकवरी रेट 82.58% हो चुका है, मतलब अब हर 100 मरीजों में 82 लोग ठीक हो रहे हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां इतने ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक कुल 50,16,520 लोग संक्रमण की चपेट से बाहर आ चुके हैं। इस बीच एक और अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का क्लिनिकल ट्रायल भारत समेत कई देशों में जल्द शुरू होगा। कोरोना वैक्सीन विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है और रूस ने कहा है कि वैक्सीन का अप्रूवल मिलने के बाद 100 मिलियन खुराक भारत भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि भारत में अब तक 60,74,702 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटों में 82,170 नए मामले सामने आए हैं और 1,039 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव मामलों की संख्या 9,62,640 है और अब तक कोरोना की इस जंग में 95,542 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अगर हम दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो पूरे विश्व में संक्रमितों का आंकड़ा 3,29,00,000 से ज्यादा है और मरने वालों का आंकड़ा 10,00,000 के करीब पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी। कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरतने का ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक वजह तो ये है कि कोरोना के डराने वाले आंकड़े और दूसरी वजह ये है ICMR की सेरो सर्वे की रिपोर्ट, जो कि ये कहती है कि भारतीय आबादी सामूहिक रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के करीब नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना के आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं, रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, साफ दिखाता है कि लोग अब लापरवाही बरत रहे हैं। इसी बीच दूसरे सीरो सर्वे से पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोरोना के खिलाफ अभी हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाई है। आइए आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। हर्ड इम्यूनिटी यानी कि सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। संक्रमण के बाद जब मरीज ठीक हो जाता है तब उसके शरीर में उस वायरस का मुकाबला करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। जब ये संक्रमण बड़ी आबादी में होता है और लोग ठीक हो जाते हैं तो उनमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाएगी और संक्रमण फैलने का खतरा कम हो जाता है। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ऐसा होने पर संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन चिंता की बात यही है कि भारत में अभी हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई है, जिसका मतलब साफ है कि अभी लापरवाही बरतने का वक्त बिल्कुल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएस टीवी।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी फुल एक्शन में। एनसीबी अब तक कई बड़े सितारों के साथ पूछताछ कर चुकी है, जिसमें दीपिका पादुकोण समेत सारा अली खान, श्रद्धा कपूर भी शामिल हैं। तो अब मामले का जायजा लेने एनसीबी चीफ खुद राकेश अस्थाना मुंबई पहुंच चुके हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच में जुटी एनसीबी फुल एक्शन में। बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों से एनसीबी की टीम ने पूछताछ की और अब एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना खुद जांच का जायजा लेने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक अस्थाना रविवार दिन में मुंबई पहुंचे। उन्होंने केस से जुड़े कई अधिकारियों से बातचीत भी की और केस में अब तक हुई जांच का जायजा लिया। ईडी ने पिछले महीने कथित ड्रग चैट में बॉलीवुड के कई कलाकारों का नाम दर्ज किया था। एनसीबी प्रमुख राकेश अस्थाना को मामले में नए डेवलपमेंट के बारे में बताया गया और पूरी टीम ने मिलकर आगे की जांच की रणनीति बनाई। आपको ये भी बता दें, एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व अधिकारी क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार भी किया था और अब 3 अक्टूबर तक क्षितिज एनसीबी की हिरासत में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INSTV। तो फिलहाल की INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।